दूसरी जानब एलडीए में तब्दीली आ गई है। डीजी एलडीए ने वन विंडो सेल पर खुली कचहरी लगा ली है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख जैन आगाह कीजिएगा। हकीकी मानों में तब्दीली ये है कि जहां पर अवामी मसाइल का हल हो सके, और इसी सिलसिले में अब एलडीए में भी तब्दीली आ गई है कि तारीख में पहली बार एलडीए वन विंडो सेल पर खुली कचहरी लगाई गई है और डीजी एलडीए आमना इमरान खान ने वहां पर अवामी मसाइल सुने और फिलफोर इनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एलडीए आमना इमरान खान, शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अवाम के किस किस्म के शिकायत थी और उनके अजाले के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसमें? जी हम बेसिकली ये भी देखना चाह रहे थे कि लोगों को ज़्यादातर मसाइल क्यों आ रहे हैं, बार बार उनको वन विंडो में भी आके क्यों टाइम ज़ाया हो रहा है, टाइम लैग को हमने शॉर्टन करना है। तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि आवाम को और लोगों को आके जो भी यहाँ आता है उसको फैसिलिटेट किया जाए और जल्दी उनका डिस्पोजल किया जाए। तो उसी तरह से आज हमने बैठ के, मेरी टीम भी सारी है, बल्कि लीगल एडवाइजर भी हमारे शेख वकास साहब। इसमें ज्यादा इशू एनओसी के हवाले से आता है, तो इस हवाले से कोई अफसरान या अहलकारों को हदायत जारी की हैं? जिनमें कुछ टाइम होता है, जैसे अखबार में इश्तहार दिया तो जाहिर है 7 दिन या 8 दिन का वक्फे के बाद एनओसी मिलेगा। उस प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम बैठे हैं कि टाइम लैग को भी शॉर्ट किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो आने के लिए बार बार उधर। डीजी एलडी आमना इमरान खान हमारे साथ मौजूद थी, वो जो आज खुली कचहरी लगाई गई थी उस हवाले से तफसीलात बता रही थी कि इसका बेसिक मकसद ये है कि अवामी शिकायात का हल फिलफोर किया जाए और एक छत तले किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका।